हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड येट अनदर व्लॉग। तो आज एक बार फिर से हम लोग आ गए हैं शिमला की गलियों में, बट आज हम करने जा रहे हैं कुछ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। हम आज शिमला का फेमस स्नैक्स खाने वाले, जितने भी फेमस जगहों के स्नैक्स हैं, सो दैट जब आप यहाँ पे आओ तो आप लोग भी ट्राई कर सको। तो सबसे पहले हम जा रहे हैं एक सबसे ज़्यादा फेवरेट खाना खाने, जो सबका ही फेवरेट स्नैक होता है। तो चलो चलते हैं और वहीं पर आपसे डायरेक्टली मिलते हैं। फेमस गोलगप्पे वाली शॉप पे, जो कि है टक्का बेंच पे। भैया बहुत खुश है गोलगप्पे खिलाने में। तो अब हमारा फर्स्ट गोलगप्पा आ चुका है। तो यहाँ का ये फेमस है शिमला का, अगर आप लोग विजिट करो तो यहाँ से गोलगप्पे खा सकते हैं। मेहंदी भी लगवा लो, मेहंदी भी लगवा लो। कैमरामैन के लिए कुछ नहीं है, कैमरामैन सिर्फ कैमरा पकड़ने आया। खाओ आप, फिर मैं दिखाऊंगा, ऐसी बात नहीं है। वज़ा फर्स्ट डेस्टिनेशन जहाँ पे हमने अभी गोलगप्पे खाए हैं, अभी तानिश खा रहा है, मैं खा चुकी हूँ। ये जो ये शॉप है, ये टक्का बेंच पे, आप यहाँ से ज़रूर ट्राई कर सकते हो गोलगप्पे। एंड इट्स अ वेरी फेमस शॉप, जो काफ़ी टाइम से बंद थी, अभी रिसेंटली खुली है। तो आप यहाँ विजिट करो तो गोलगप्पे खा सकते हो। अब ये फिनिश करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर चलते हैं। हम हैं मॉल रोड चर्च पे, आपको चर्च दिख रहा होगा मेरे पीछे, और हम जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, विच इज़ त्रिशूल, जो यहाँ की एक फेमस बेकरी है। और वहाँ जाके हम लोग ट्राई करेंगे वहाँ का स्पेशल एक ड्रिंक, जो कि मैं आपको वहीं जाके बताऊँगी कि क्या है। और भी कुछ होगा तो मैं आपको बताऊँगी। वहाँ का बहुत कुछ फेमस है, बट हमें सारी जगहों का खाना है तो एक जगह से नहीं खाएंगे, तो वहाँ पे जो स्पेशल मिलेगा वो खाएंगे। एंड तो हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं और ठीक है मैं कहा। तो अभी हम यहाँ से जाने वाले हैं फेमस हेज़लनट कॉफी, विच इज स्मॉल, आई डोंट नो हाउ मच, अभी मैं लेके जाऊँगी देखिए। तो आप यहाँ जब आए तो आप हेज़लनट कॉफी भी ट्राई कर सकते हो, उनके पास और भी काफ़ी सारे फ्लेवर्स हैं जो कि आप ट्राई कर सकते हो। हेज़ल नट, कैरेमल, आयरिश, कुछ भी है। चलो ठीक है, तो अभी हम अपनी कॉफी लेते हैं एंड देन आई विल टेल यू कि कैसी है और क्या प्राइस है उसका। तो यहाँ पे हमारी कॉफी बन रही है, अंकल बना रहे हैं। अंकल कितनी पुरानी है बेकरी? 1959। तो अंकल ने बोल दिया और कहीं पेस्ट्री मिलेगी नहीं ऐसी, तो अब तो आपको ट्राई करनी पड़ेगी यहाँ से, है अंकल? जो भी लोग यहाँ पे विजिट करते हैं वो अंकल के पास आके यहाँ पे पेस्ट्री ट्राई कर सकते हैं। मैं बचपन से खा रही हूँ यहाँ से, तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। सो हमने अपनी कॉफ़ी ले ली है, ये देखने में बहुत ही टेंटिंग लग रही है। एंड दिस इज हेज़लनट कॉफी, तो आप यहाँ से ट्राई कर सकते हो काफ़ी कुछ। मतलब यहाँ पे बहुत कुछ फेमस है, अब सारी चीज़ें तो हम नहीं खा सकते एक बार में, बट थोड़ी बहुत चीज़ें जो हम आज ट्राई कर सकते हैं वो हम करके देखेंगे। पेस्ट्रीज आप यहाँ से ट्राई कर सकते हो, बचपन से खा रहे हैं, और ये कॉफ़ी। तो अब हम आपको नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे मिलेंगे। यहाँ थोड़ी देर में कितना रश हो गया है। तो ये बेकरी कितनी फेमस है, क्या लिखा है इसका? सो दिस इज त्रिशूल बेकरी, यहाँ से आप खा सकते हो आके। हमने कॉफ़ी पी ली है, मैं सारे चीज़ों के प्राइजेस डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। मेरी टंग भी हो रही है स्लिप, मतलब मैं ऑफिशियल यूट्यूबर बन गई हूँ, क्योंकि जो यूट्यूबर्स होते हैं उनकी टंग बोलती है स्लिप। मजाक कर रही हूँ, जोक्स अपार्ट, अब हम लोग जा रहे हैं। अब हमने गोलगप्पे खा लिए, कॉफ़ी पी ली, अब हम कुछ अच्छा खाने जाएंगे। तो अभी हम जा रहे हैं नेक्स्ट बेकरी पे, जहाँ पे एक्चुअल में यहाँ पे बहुत कुछ है खाने के लिए, बट हर चीज़ एक दिन में दिखाना पॉसिबल नहीं। अगर आपको ये वाला ब्लॉग मेरा अच्छा लगा तो वी विल बी मेकिंग नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम और भी चीज़ें खाएंगे, सो दैट आप लोगों के लिए इजी हो कि आप लोग यहाँ, क्योंकि नहीं पता चलता जब हम किसी नई प्लेस पर जाते हैं कि क्या खाना है या नहीं खाना है। सो नेक्स्ट जगह पर चलते हैं एंड खाते हैं।
जाओ 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 फटो मैक्रोन भी बोल दो। कृष्णा बेकर्स, हम पहले त्रिशूल पे हैं, हम कृष्णा बेकर्स पे आ गए हैं। यहाँ से हम खाएंगे आगे फेमस फुलकेस, जो कि यहाँ पे बनते हैं सिर्फ हिमाचल में, और कहीं आपको मिलेंगे। मैक्रोन भी बोल दो। अभी हमने ऑर्डर दे दिया है और इसके बाद हम यहाँ से एक और चीज़ खाएंगे, वो हम आपको दिखाएंगे जो कि यहाँ की फेमस है। ये भी काफ़ी सारी वेराइटी है खाने के लिए, देख सकते हो आप। बट देन यहाँ के फेमस इज कुरकेस, दिस वन इज कुरकेस, दिस यू कैन हैव यहाँ से। एंड यहाँ के मोमोज भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, एंड इनके पास स्वीट भी है। सबसे फेमस क्या है? सबसे कुरकेस, कुरकेस। ओके, तो ये हमारे कुरकेस आ चुके हैं, विच आर फेमस, अंकल ने भी बोल दिया है। अब तो खाना बनता है। कुरकेस आ चुके हैं हमारे, तो जैसे कि अंकल ने भी बता दिया कि ये सबसे ज़्यादा फेमस है यहाँ के, और ये हिमाचल के अलावा भी मिलते भी हैं। हिमाचल के कुछ शॉप्स मिलेंगे, वो भी पता नहीं कैसे, और यहाँ के काफ़ी ज़्यादा फेमस है और काफ़ी बजट फ्रेंडली भी है। तो आप यहाँ पे आके खा सकते हो, और ऊपर से काफ़ी ज़्यादा सही भी होगी। इनके साथ आप देख सकते हैं तीन चटनी आपको मिल रही है, रेड, ग्रीन एंड मेयोनीज, और ऊपर से इन्होंने गार्निश किया हुआ है कैबेज से। तो गाइज अब हम कुरकेस फिनिश कर चुके हैं। यहाँ की एक और चीज़ फेमस है जो भी मैं लेने जा रही हूँ, आपको लेने के बाद दिखाती हूँ क्या है। इधर देखो, फोर्थ यहाँ की फेमस आइटम खाने वाले, विच इज मैक्रून। ये यहाँ का एक फेमस बिस्किट है जो कोकोनट से बनता है, और ये आपको यहीं पे मिलेगा। ये मस्ट ट्राई है, मैं बचपन से लेके खा रही हूँ ये चीज़ भी। मतलब जो भी हम खा रहे हैं ना, आज हम बचपन से लेके खा रहे हैं, तो इट इज़ मस्ट ट्राई। आप एक बार देख सकते हो कितना सुंदर बिस्किट है ये। बिस्किट नहीं, कुकी। तो मैं खा रही हूँ इसको आपके सामने, जैसे फूड ब्लॉगर्स खाते हैं, क्योंकि अंदर पूरी फिलिंग कोकोनट की है, एंड बाहर से ये थोड़ा क्रिस्पी होता है। अब हम चार चीज़ें खा चुके हैं, चार स्नैक्स जो कि यहाँ के फेमस है। जो अभी दो चीज़ें हमने कुरकेस और मैक्रून खाया, दैट इज़ फ्रॉम कृष्णा बेकर्स, और ये आपको मॉल पे मिल जाएगा। आप किसी से भी पूछोगे, इट इज़ वेरी फेमस, आप गूगल पे सर्च करोगे उसको मिल जाएगा। तो वहाँ से ये मस्ट ट्राई चीज़ें जो आपको खानी है। तो चलो नेक्स्ट जगह पे चलते हैं। बात आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं साड़ी में क्यों हूँ, सोच भी नहीं रहूँगी तो भी बता देती हूँ कि मैं ऑफिस से आ रही हूँ, और उसके बाद मैं ये शाम को व्लॉग बना रही हूँ, तो दैट्स व्हाई आई एम इन साड़ी। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं थी, तो अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, वहाँ पे जाके आपसे मिलते हैं। तो अब हम आ चुके हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन एम्बेसी आइसक्रीम। तो यहाँ पे हम खाने वाले हैं एम्बेसी आइसक्रीम से, ऑब्वियसली आइसक्रीम एंड एक फेमस केक। तो चलो अपनी आइसक्रीम लेते हैं। क्या नाम है इस आइसक्रीम का? चोको क्रंच सॉफ्टी। अच्छा, और आपकी उनको दिखा, आपकी फेमस आइसक्रीम कौन सी है? ये वाली है, ठीक है। तो हम यहाँ की फेमस ही खाएंगे। एक और ले लो, एक और दे दो। हमने यहाँ की फेमस आइसक्रीम ले ली है, विच इज चोको क्रंच सॉफ्टी। तो ये यहाँ की फेमस है, विच इज फ्रॉम एम्बेसी आइसक्रीम। तो यहाँ से भी हम बचपन से लेके ये आइसक्रीम खा रहे हैं, बट मुझे नाम नहीं पता था क्या है। तो भी अभी मैंने पूछा है कि क्या नाम है। तो जब आप यहाँ पे विजिट करो, आप ये वाली आइसक्रीम भी खा सकते हो। तो आइसक्रीम लिए एक हमारे कैमरामैन के लिए, और एक अपने लिए, उसको भूखा नहीं मार सकते। तो हम आइसक्रीम लेके आ गए हैं, एंड ये आइसक्रीम इतनी ज़्यादा सही है ना यार, बचपन से लेके खा रहे हैं। मैं और तानी बचपन से लेके, इसका टेस्ट सेम ही है। आप ये सुन सुन के बोर हो गए कि हम ये बचपन से खा रहे हैं, बट जो चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं वो हम बचपन से लेके खा रहे हैं, एंड आपको ट्राई करनी चाहिए, मस्ट ट्राई है। हाँ, वो बात है कि जब हम बचपन में खाते थे तो उसका टेस्ट डिफरेंट था, अब थोड़ा डिफरेंट हो गया, बट इस आइसक्रीम का टेस्ट बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। इट इज़ अ मस्ट ट्राई आइसक्रीम, जो आपको ट्राई करनी चाहिए। तेरा क्या बोलना है तानी? वन ऑफ द बेस्ट चीज़ है ये, मतलब शिमला की, आपको खानी ही चाहिए। देख सकते हो यहाँ पे कितनी सुंदर लाइटिंग है, और ये कैफ़े बहुत सही है यहाँ पे, बट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। विलो बैंक्स कैफ़े, शिमला टाइम्स। तो यहाँ पे बजट इकट्ठा करके जाएंगे एकदम। यहाँ पे बजट मतलब बजट फ्रेंडली नहीं है, बट काफ़ी सही कैफे है।
लास्ट डेस्टिनेशन पे आ गए जहाँ पे हम खाने वाले हैं पान, क्योंकि एंड थोड़ा मीठा होना चाहिए। वैसे ज़्यादातर हमने मीठी चीज़ें खाई है, बट ऐसे मानते हैं कि पान एंड में स्वीटिश की तरह खाया जाता है। पान खाएंगे, यहाँ का फेमस है स्टैंडर्ड पॉइंट पे ये शॉप है जिसका नाम है पान प्लेस, पैलेस, पान पैलेस। कौन कौन से पान लेंगे? मीठा पान, मीठा चॉकलेट पान। कौन सा गाना है? एक मीठा चलो चलते है बिना चलो शाम शाम मीठा पान आ चुका है तो यही हमारा, बहुत ही सुंदर दिख रहा है। अच्छा खाओ, यहाँ का फेमस है ना भैया, ये भी खाते हैं। खा लो पहले, ऐसे कौन खाता है? वैसे तो पान पूरा खाते हो पब्लिक प्लेस में, थोड़ा सोफिस्टिकेटेड हमसे। यस खा लो, अब स्ट्रेट काफी टाइप्स के पान है, चॉकलेट पान एंड अदर टाइप ऑफ पान, एंड दिस इज अ फेमस शॉप ऑन स्कैंडल पॉइंट विच इज पान पैलेस। हम आ गए अपनी लास्ट डेस्टिनेशन पे, वैसे तो ये खाना नहीं था बट रास्ते में आ गया और ये सबसे ज़्यादा फेमस है जो हम बचपन से खाते आ रहे हैं। लास्ट बार ये डायलॉग मार रही हूँ, वैसे तो पान के पास हमारा एंड हो चुका था बट ये खाना बनता है अगर आप शिमला आए हो। ये फेमस अंकल है हमारे जिन्होंने 3 इडियट्स में भी काम किया हुआ है। अंकल एक क्या रहेगा? मूंगफली। एक पीनट से दो। और अंकल कैसे हो आप? कितने गए? 20। जब से हम खा रहे हैं 20 का ही है, इसका रेट कौन सा? रेट मैंने बढ़ा दिया हुआ है। बढ़ा दिया? हाँ, आपको लिख भी दिया हुआ है। क्या लिख दिया? 30 हो गए। आए हाय, आपसे अभी 20 ही है। ओ अंकल ने डिस्काउंट दिया, आपसे 20 ही है। चलो थैंक यू अंकल, दो इनको। तो जब भी आप यहाँ पे आए अंकल से ज़रूर लें, और अंकल बहुत मेहनत से ये सब बनाते हैं। बाहर से तो हम बहुत कुछ खाते हैं बट अंकल को सपोर्ट करें, अंकल यहाँ बहुत मेहनत से आते हैं और बैठे हैं यहाँ पे, और अंकल काफ़ी ज़्यादा फेमस है। जब भी आप आओगे अंकल से पूछना, अंकल ने यहाँ पे 3 इयर्स में भी काम किया हुआ। चलो 6 इयर्स से बैठा हूँ मैं, 46 इयर्स कर रहा हूँ। अच्छा खुले में पास नहीं, बचपन से खा रहे हैं आपसे हम। चलो थैंक यू अंकल के साथ मिल गया जो कि 30 प्राइस हो चुका है और हमें 20 में मिला क्योंकि हम अंकल से बचपन से लेके खा रहे हैं, अंकल ने इसलिए हमें डिस्काउंट दे दिया है। तो आप जब भी आप ये भी ट्राई कर सकते हैं अंकल के पास, डिफरेंट चीज़ें, चना, आलू चिप्स एंड पीनट्स एंड मिक्स पूरी, तो आप कुछ भी खा सकते हैं। तो आज के ब्लॉग के लिए इतना ही था, अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड वैसे बहुत कुछ है यहाँ पे खाने के लिए बट एक ब्लॉग में कवर करना इज़ नॉट पॉसिबल। तो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, अगर इसमें हमारा सही आता है रिस्पॉन्स तो हम नेक्स्ट पार्ट्स बनाएंगे, एंड जितने भी प्राइजेज हैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे जितनी भी चीज़ें हमने खाई है, सो दैट आपके लिए कन्वीनियंट हो जाए, क्योंकि हर चीज़ का प्राइस मेंशन नहीं है तो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे जितने भी प्राइजेज, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो, साथ ही आपको शॉप्स के नेम भी डाल देंगे। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।